हेलो एवरीवन, दिस इज़ टेक कोडर एवी। वेलकम टू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट सीरीज़। और हम आ चुके हैं एक और न्यू सीरीज़ के साथ में, जहां पर हम क्रिएट करने वाले हैं हमारी टिकटैक्टो एप्लीकेशन। इस टिकटैक्टो एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें पूरी इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरी एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रोजेक्ट को, पूरी एप्लीकेशन को दिखाऊंगा, कैसे हमारे फंक्शन है, क्या क्या हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर है, वो सारी चीज़ें मैं इस पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज़ को शेयर करना, उनको भी कहना कि वो भी इस सीरीज़ को ज्वाइन करें। साथ में अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने अदर प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो कुछ प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर मिल रही होगी, कुछ प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, तो आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर और मेरी फ़ोन की स्क्रीन जो है वो आपको सामने दिख रही होगी, ठीक है। विजिबल अगर नहीं हो रही है तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मेरी फोन की जो स्क्रीन है वो आपको विजिबल हो जाएगी। तो मैं यहां पर अपने एप्लीकेशन को रन करता हूं। मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। यहां पर आपको स्प्लैश स्क्रीन देखने के लिए मिल रही है। मेरी स्प्लैश स्क्रीन यहां पर कुछ सेकंड का लोड ले रही है, ठीक है, और उसके बाद मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया है मेरे सेकंड विंडो पर। मैं अपनी सेकंड विंडो पर आ चुका हूं। मेरे को यहां पर अपने प्लेयर्स के नेम को एंटर करना है। मेरे दो प्लेयर होंगे जिनको मैं यहां पर एंटर कर सकता हूं। फर्स्ट प्लेयर मेरा, मैं यहां पर मैं टैग दे देता हूं, वन सेकेंड टैग हो गया, और सेकेंड प्लेयर मैं यहाँ पर कोडर दे देता हूँ, ठीक है। मैं ओके करता हूँ। स्टार्ट गेम पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर टू प्लेयर्स हैं, एक जो क्रॉस वाला है वो टैग है और जो सर्कल वाला है वो कोडर है, ठीक है। मैं यहाँ पर, आप इंटरफेस को देख पा रहे हो, हमारा कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। इसके बाद जैसे कि अगर मैं प्लेयर वन की चांस है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं पहले यहाँ पर क्रॉस लेता हूँ। तो अब देखो कोडर की चांस है तो जो कोडर का ब्लॉक है वो वाइट कलर, जो कोडर का ब्लॉक है वो ऊपर वाइट कलर की लाइन से आने लगा है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड प्लेयर की टर्न है तो यहाँ पर मैं सेकंड प्लेयर चलेगा तो मैं यहाँ पर स्टेप करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्रॉस आ चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर मेरे पास मेरे टेक वाला जो प्लेयर है इसकी टर्न है तो मैं यहाँ पर दोबारा से प्ले करता हूँ। देखो आप एक्स आ चुका है। अब सेकंड देखो सर्कल जो कोडर है हमारा उसकी टर्न है तो उसका जो बॉक्स है वो वाइट कलर की लाइन से आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर चल देता हूँ। फिर मेरी नेक्स्ट टेक की टर्न है तो यहाँ पर टेक को यहाँ पर चलता हूँ। फिर कोडर की टर्न है तो मैं यहाँ पर कोडर को विन करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पर किया, मैंने कोडर को विन करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कोडर हैज़ वन दी मैच। यहाँ पर कोडर जो है मैच को जीत चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है स्टार्ट गेम का कि हम वापस से स्टार्ट कर सकते हैं अपने पास स्टार्ट अगेन से, ठीक है। और एग्जिट बटन से हम एग्जिट कर जाएंगे हमारे सेकेंड विंडो पर जहाँ पर हमने प्लेयर के नेम को एंटर किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस से एक बार स्टार्ट कर दिया मैच को, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या एंटर करेंगे, अब इस बार देखो कोडर की टर्न है पहले, तो मैं यहाँ पर कोडर को देता हूँ, ठीक है, एक्स। फिर यहाँ पर देता हूँ टैग के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देता हूँ, फिर इसको करता हूँ, अब मेरा टैग विन होना चाहिए तो मैं यहाँ पर टैग को विन करवा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो टैग हैज़ वन द मैच, परफेक्ट है। वापस करता हूँ और एक बार ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर अब जो मैच है वो ड्रॉ होने लगा है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं चलूँगा तो आप देखो इट्स अ ड्रॉ, इधर पे मेरा जो मैसेज है वो मेरे को विजिबल हो चुका है, मेरा जो मैच है वो ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा से अपने सेकंड विंडो क्लास पर आ जाऊँगा। मैंने जैसे ही एग्जिट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो सेकंड विंडो है जहाँ पर मेरे को प्लेयर्स के नेम एंटर करना है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये गेम दिखने में बहुत स्मॉल है, ठीक है, बट इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको सीखना पड़ेगा कि आप इस गेम को कैसे वर्क करना है, ये गेम हमने बनाया कैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेम छोटा है, गेम ज़रूर छोटा है, बट हमको ये देखना है कि इस पूरे एप्लीकेशन को हमने डिज़ाइन कैसे किया, कैसे हमारा एक प्लेयर विन हो रहा है एक प्लेयर लूज़ हो रहा है, और जब हमारे मैचिंग्स नहीं हो रहे हैं किसी भी ब्लॉक्स में तो हमारे दोनों प्लेयर्स विन नहीं हो रहे, हमारा मैच ड्रॉ हो रहा है। तो ये चीज़ एक लॉजिक है, इस पूरे लॉजिक को मैं इस पूरी सीरीज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, ज़्यादा बड़ी सीरीज़ नहीं होगी, छोटी सीरीज़ होगी, बट यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड कर पाओगे वो इस सीरीज़ में मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा कि आपके जो एड्स होते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, लाइक कोई भी गेम को डाउनलोड करते हो और उस गेम के अंदर आपको एड्स मिलती हैं। एक बार आपने गेम खेला उसके बाद आपको ऐड मिल रही है, फिर उसके बाद ऐड के बाद 30 सेकेंड्स की ऐड होगी या फिर स्किपेबल ऐड होगी।
तो उसको स्किप करने के बाद आपको वापस से सेकंड गेम खेलने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें एड्स भी कैसे लगाना है, क्या सारी चीज़ें करना है, वो सभी चीज़ें इस पूरी सीरीज़ में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पूरी सीरीज़ को ज्वाइन करना, एप्लीकेशन छोटा है आई नो, बट एप्लीकेशन का जो लॉजिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलने वाली हैं। इसमें कुछ फीचर्स को हम ऐड करने का भी ट्राई करेंगे, जब हम इस गेम को डेवलप करना शुरू करेंगे तो हम वहाँ पर ऑनलाइन मेथड को भी एक बार ट्राई करेंगे, जिसको हम हमारे एप्लीकेशन को फायरबेस से कनेक्ट करेंगे और दो प्लेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन से ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे और फिर उसको प्ले करने का ट्राई करेंगे। इस चीज़ के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, जब तक ये सीरीज़ चल रही है, तो ये एप्लीकेशन के अंदर ही मैं उस फीचर को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। उस टाइम पर आपको ये एप्लीकेशन जो है परफेक्ट हो जाएगी प्ले स्टोर के लिए। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर प्ले स्टोर के हिसाब से अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो ये वीडियो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट होने वाली है, ठीक है। ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आएगी। एप्लीकेशन पसंद आया है या फिर नहीं आया है तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थोड़ा और इंटरफेस में हम चेंजेस करेंगे, बहुत सारी हम चेंजेस करेंगे भी अपने इंटरफेस को और गुड लुकिंग बनाने के लिए, हम यहाँ पर कुछ चेंजेस और भी करने वाले हैं। तो पूरी सीरीज़ को देखना। वीडियो अगर पसंद आई है या एप्लीकेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हर अल्टरनेट डे पर एक वीडियो मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे अभी अदर सीरीज़ की मिल रही है, वैसे ही आपको इस सीरीज़ की भी हर अल्टरनेट डे पर एक वीडियो मिलती जाएगी, जिसमें हम एक एक स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे। तो होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो लाइक करना, जैसे मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को जो एप्लीकेशन है वो पसंद आई है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एप्लीकेशन कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।